हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट के हवाले से। हम सबको पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट जो है आजकल बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है ड्यू टू दिस पेंडेमिक। और आज हम बात करेंगे, इंग्लैंड ने जो है दो मेजर सीरीज को होस्ट करना है, जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को होस्ट करना है, जिसमें 3 टेस्ट मैचेज है, और फिर बाद में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को होस्ट करना है, जिसमें 3 टेस्ट मैचेज है और साथ ही साथ T20 मैचेज भी है। हम सबको पता है कि इंग्लैंड और पूरी दुनिया जो है पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ही बुरी सिचुएशन में है, और दुनिया में जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, जितनी भी बायलैटरल सीरीज है, सब पोस्टपोन हो रही है, कैंसिल हो रही है। ठीक है, हम सबको पता है कि इंग्लैंड ने अपना समर जो है बिल्कुल पोस्टपोन कर दी। ठीक है, और ये पहला समर होगा कि इंग्लैंड में कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, और इंग्लैंड में जो है 1 जुलाई तक कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। ठीक है, एक करंट रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के पास खाली 2 ग्राउंड है जो वेल प्रिपेयर्ड है, जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ भी है और सब वेल इक्विप्ड है, जिसमें है एक बर्मिंगम का स्टेडियम और साथ साथ एक मैनचेस्टर का स्टेडियम। ये इंग्लैंड के सबसे 2 बड़े स्टेडियम्स हैं। ठीक है, अगर इंग्लैंड चाहे तो ये जो सीरीज़ होगी ना पाकिस्तान और इंग्लैंड की, और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की, ये जितने भी मैचेस हैं इन 2 स्टेडियम्स में ही खेली जा सकती है, मैनचेस्टर और साथ साथ बर्मिंगम। मैनचेस्टर और बर्मिंगम में ये सीन है ना कि इधर सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, इसमें ऑफिशियल्स भी मिलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ प्लेयर्स भी मिलती है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए बेस्ट फैसिलिटी वेज है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है आपको, और इसमें जो है होटल की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, और करीब तरीन होटल भी है, और ग्राउंड में ऐसी फैसिलिटीज़ है ना कि प्लेयर्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्लेयर्स जो है सोशल डिस्टेंस थ्रू भी रह सकते हैं। तो क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है ना, अगर सीरीज़ नहीं खेलते तो इनको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होगा, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंग्लैंड को जो है 380 मिलियन पाउंड्स का नुकसान फेस करना पड़ सकता है अगर इंग्लैंड जो है क्रिकेट ना खेले। क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लैंड, इंडिया और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ये 3 जो है बिग 3 है, और ये बहुत पैसा कमाते हैं क्रिकेट के थ्रू। इंडिया के तो अभी तक हालात स्टेबल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट की वजह से और बायलैटरल सीरीज़ ना खेलने की वजह से इनकी प्लेयर्स और इनकी माली हालात काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इंग्लैंड यही चाह रहा है कि वो पाकिस्तान को भी होस्ट करें, साथ साथ वेस्ट इंडीज़ को भी होस्ट करें, क्योंकि हम सबको पता है कि जो मैचेस होंगे ये बिहाइंड क्लोज डोर्स खेले जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जो है ब्रॉडकास्टर के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेगा। और इंग्लैंड बोर्ड ने तो क्लियर बोल दिया है कि मैनचेस्टर और साथ साथ बर्मिंगम, ये 2 स्टेडियम्स होंगे जिसमें ये सारी दोनों सीरीज़ खेली जाएगी, जिसमें 3 अराउंड 6 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और T20 मैचेस खेले जाएंगे। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान मेजॉरिटी बर्मिंगम में ज़्यादा रहती है और साथ साथ मैनचेस्टर में रहती है, तो अच्छा टीवी के भी राइट्स अच्छे खासे बिक जाएंगे और इंग्लैंड भी थोड़ा स्टेबल आ जाएगा। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना वो हाउसफुल होते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो हाउसफुल नहीं होते। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यही सोच रहे हैं कि हम ये जो दोनों सीरीज़ है ये होस्ट करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने भी बोला हुआ है कि अगर इंग्लैंड के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं तो इंग्लैंड जो है अपनी दोनों सीरीज़ जो है वेस्ट इंडीज़ में होस्ट करवा सकते हैं, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी वेस्ट इंडीज़ में खेली जाएगी, और इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ भी वेस्ट इंडीज़ में खेली जाएगी। लेकिन इंग्लैंड जो है पूरे तरीके से सोच रहा है कि हमने अपनी सीरीज़ अपने मुल्क में ही करवानी है, क्योंकि ये हमारी अपनी होम सीरीज़ है, और इंग्लैंड जो है टेस्ट मैचेस को काफ़ी सीरियस लेता है, और इंग्लैंड सोच भी रहे कि दोनों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ हैं, दोनों टेस्ट मैच में उनकी रैंकिंग काफ़ी कमज़ोर है, अगर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड जो है इनको अच्छे नंबर से मार दे और टेस्ट मैच जीते तो इंग्लैंड जो है टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छी रैंकिंग ले लेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लैंड जो है 4th नंबर पर है, और इंडिया और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है 1 और 2 नंबर पर है, तो इंग्लैंड की यही कोशिश होगी कि ये टेस्ट मैचेस खेले जाए और इंग्लैंड ही होस्ट करे। और मैंने आपको बता दी कि बर्मिंगम और मैनचेस्टर में ये सारे मैचेस खेले जाएंगे, और मैनचेस्टर और बर्मिंगम इंग्लैंड के वो स्टेडियम है जिधर हर फैसिलिटीज, अकोमोडेशन भी है, प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ है, और इधर ब्रॉडकास्टर आराम से अपना सेटअप लगा सकते हैं। तो यही मेजर रिपोर्ट थी कि इंग्लैंड जो है सीरीज़ करवाएगा, और इंग्लैंड में जो है अभी क्रिकेट पे बैन लगा हुआ है, हर टाइप की प्रोफेशनल क्रिकेट पे बैन लगा हुआ है 1 जुलाई तक, और 1 जुलाई के बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी, और इंग्लैंड पूरे तौर से रेडी है कि हमने सीरीज़ खेलनी है और हमने ये मैचेस जीते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं रोज़ क्रिकेट ओपिनियन, क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।